लो आ गई पापा की परियां। जहां एक तरफ पापा की परियां स्कूटी उड़ा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूटी नचा रही हैं। जहां एक तरफ रोड पे चल रहे इंसान घबरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खेत में लोटा लिए इंसान बिना धोए भाग रहे हैं। मंजर इतना खौफनाक हो गया है मानो पापा की परियां स्कूटी नहीं भल्लाल देव का रथ चला रही हों। दहशत का वो माहौल हो गया है कि पूरे देश में भगदड़ मच गई है और फिर शुरू होता है खौफ का असली नाच। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है, तो कृपा कर इसे दिल पर ना ले। तो आओ यार, वीडियो को हरी झंडी नहीं लाल झंडी दिखाते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इस परी को देख लो, आपको क्या लगा ये खेत है? नहीं, ये रोड है। ओह नो। कौन है ये लोग? यही वजह है, खेत में हगने वाला आदमी बिना धोए भाग रहा है। अगर धोने लगे ना तो जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। पर मैडम हद हो गई यार, नहीं मतलब ये कौन सी जगह है गाड़ी चलाने का? मैं नहीं बताऊंगा। घबराओ नहीं, ये शादी की डोली नहीं पापा की परियों की कार है। खेतों में चला रही थी, अचानक से रोड आ गया, अब ये बाहर निकाल रहे हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। नहीं मतलब सही में यार, क्यों चलाती हो जब चलाना नहीं आता है? उसके बाद भी कुछ पापा की परियां बोलेंगे, मैं औरों की तरह नहीं हूँ। कहाँ से रहोगी तुम खेतों में जो कार चलाती हो? सही बात है। हम गधे। मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हें क्या लगा ये स्कूटी में आग लगाएगी? नहीं, ये सिर्फ तुम्हें पागल बनाएगी। देख रहे हो मैडम को कैसे पागल बना रही है? तेल तो ऐसे डाल रही थी मानो आग ही लगा देगी। वैसे मैडम आपने आग तो लगा ही दिया होगा जो देख रहे हैं उनकी छाती में। भाई ये पापा की परियां हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं। सही पकड़े हैं। नहीं। बताओ हॉर्न बजते हुए कब से दिखने लगा? अरे मैडम, माना वो बीच रोड पे हैं, पर रोड खाली है, आप साइड से भी निकल सकते हो। पर नहीं, तुम्हें तो हॉर्न मार के दिखाना है। नहीं मतलब सही में यार, कुछ भी, आदमी खेत में सेफ नहीं है, रोड पे सेफ नहीं है, तो मैडम जाए कहाँ? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। अब इन परियों को देख लो। ओ नो नो नो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देख रहे हो, बंदा भी यही सोच रहा होगा साला ये कौन सी जगह है गाड़ी चलाने की। ऊपर से ये परी भी यही सोच रही होगी, चला तो मैं ठीक से रही थी, अचानक ये खेत कहाँ से आ गया। नहीं मतलब सही में मैडम, तुम ही हो रही हो फास्ट एंड फ्यूरियस की फूफी। अरे मैडम कम से कम खेत को तो छोड़ दो, वो खेत है मैडम रोड नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं ना दोनों अवार्ड लेने का काम। नहीं मतलब सही में यार, ये मछुआरे भी पापा की परी के संगत में रह के परियों वाली हरकत करने लगे हैं। अरे मैडम तुम सीट पकड़ के बैठी हो, तुम खरबूजा पकड़ के भी तो बैठ सकती थी के नहीं? सही बात है। और जब इनको शिकार के लिए कोई नहीं मिलता ना, तब देखो ये क्या करती हैं। अरे लगी तो नहीं? अरे उतरते ही ऐसे हैं। बाबा ने लो कर लो बात, ये कौन सा उतरने का तरीका है भाई जो हमको नहीं पता? नहीं मतलब सही में मैडम कमाल कर रही हो, गिर के घुटने छिल जाए, फटके फ्लावर हो जाए, पर हम उतरते ही ऐसे हैं, बताओ। अब ऐसा नहीं कि सारी पापा की परियां एक जैसी होती हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? देखा आपने कैसे खड़े खड़े काट दिया, बताओ। मुझे लगे ये स्कूटी चला रही है, पर ये तो हमारा काट रही थी। नहीं मतलब सही में मैडम लगे रहो, आज नहीं तो कल उड़ ही जाओगे। अब इस 1.5 क्विंटल मौसी को देख लो, कैसे बच्चे की बाइक पे अत्याचार कर रही है। मजा आया।
अरे मैडम तुम तो इस पे भी गिर पड़ी। नहीं मतलब सही में यार, तुम चाह के भी इसे गिर नहीं पाओगे क्योंकि इसमें गिरने की जगह ही नहीं है। पर ये पापा की परी हैं, जहाँ से कोई नहीं गिर सकता ना, वहाँ से ये गिर के दिखा सकती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब इस परी को देख लो, कैसे कीचड़ कीचड़ हो गई है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। देख रहे हो मैडम कैसे हंस रही है, मानो ये जंग जीत के आई हो। बताओ गजब बेइज्जती है। हाँ बहन, तुम बस यही कर सकती हो, और वैसे भी फूल और कांटे बाइक चलानी तुम्हारे बस की बात नहीं। ऐसे बाइक स्टार्ट करके बस एक्सलेटर घुमाते रहो, कम से कम सामने वाला इंसान तो सेफ रहेगा और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बताओ, नहीं घुमा घुमा के फाड़ दो एक्सलेटर। तो बस दोस्तों, आज की इस पापा की परी की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के फनी कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।